नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 17 जुलाई 2018। स्वागत है आपका फिल्म बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपोर्टेंट आर्टिकल वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में है। कस्टम्स का यहाँ पे क्या मतलब है? मान लीजिए कोई देश है ए, ए देश में बाहर से दूसरे देशों से चीज मंगवाने के लिए जो भी रूल्स या फिर रेगुलेशंस हैं उनको इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी होती है कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन पे। और इवन देखो जो भी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, मान लीजिए दूसरा देश है बी, बी से कोई चीज़ मंगवाई जाती है ए देश में, तो इंपोर्ट ड्यूटी कितना लगेगी उस इंपोर्ट ड्यूटी को कलेक्ट करने की जिम्मेदारी होती है कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन पे। इसके अलावा ए देश से किसी दूसरे देश में गुड्स भेजे जाते हैं या फिर मंगवाए जाते हैं, गुड्स के फ्लो को रेगुलेट करने की जिम्मेदारी होती है कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन पे। अभी कंटेक्स्ट ये है कि देखो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया को एज ए रीजनल हेड चुन लिया गया है। रीजनल हेड का मतलब यहाँ पे वाइस चेयर है। एशिया पैसिफिक रीजन का हेड चुना गया है, वैसे वाइस चेयर चुना गया है इंडिया को वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस में। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस को देखो 6 रीजन्स में डिवाइड किया गया है, तो एक रीजन का हेड इंडिया बन गया है और ओवरऑल कहें तो वाइस चेयर बन गया है इंडिया वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन में। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। इस बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया था 1952 में, यानी 1952 में। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है। मकसद क्या है? मकसद ये है कि कस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस की इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को इन्हेंस करना, यानी इंक्रीज करना। कई बार आपने सुना होगा कि जो कस्टम डिपार्टमेंट है किसी भी देश का, वो बहुत दिनों तक इंतज़ार करवाता है। आपने कोई चीज़ इंपोर्ट करवाई है लेकिन जाँच के नाम पर वो कस्टम डिपार्टमेंट के पास रहती है बहुत दिनों तक, तो इससे ट्रेड की जो एफिशिएंसी है वो प्रभावित होती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम ये है विभिन्न देशों के जो भी कस्टम डिपार्टमेंट हैं उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन एकमात्र इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कस्टम मैटर से डील करती है। वर्ल्ड के जो 182 कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन मेंबर है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के, और इन 182 कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के बीच वर्ल्ड का 98% ट्रेड होता है। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, 6 रीजन्स में डिवाइडेड है वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन और हर एक रीजन का अलग से वाइस चेयरपर्सन है। इंडिया को भी एशिया पैसिफिक रीजन का चेयरपर्सन चुन लिया गया है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन का? हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा समय समय पर कन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, कॉन्फ्रेंसिस ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं, और उन कन्वेंशंस में विभिन्न देशों के कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन पार्टिसिपेट करते हैं। इससे एक देश के कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरे देश के कस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की जाती है उन देशों के कस्टम एडमिनिस्ट्रेशंस को जहां पर एफिशिएंसी काफ़ी कम है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में कस्टम्स वैल्यूएशन से संबंधित जो भी एग्रीमेंट हुए हैं उनको एडमिनिस्टर करने की जिम्मेदारी भी वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के पास होती है। चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल गोल्डन जैकल के बारे में है। द हिंदू में एक न्यूज़ आई थी कि जो बंदार रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर मैंग्रोव एरिया कम हो रहा है, इस वजह से गोल्डन जैकल का जो हैबिटेट है वो कम हो रहा है। हैबिटेट मतलब नेचुरल होम या फिर एनवायरनमेंट जहाँ पर कोई एनिमल की स्पीसीज रहती हैं। अब देखो गोल्डन जैकल का हैबिटेट एरिया कम हो रहा है, इस वजह से लोकल लोगों के साथ जो कन्फ्लिक्ट हैं गोल्डन जैकल का काफ़ी ज़्यादा होने लगा है। IUCN की रेड लिस्ट के हिसाब से गोल्डन जैकल आता है लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में। क्या खाता है गोल्डन जैकल? केकड़े यानी क्रैब और मछलियाँ। गोल्डन जैकल देखो वैसे कहाँ कहाँ पर मिलता है? नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका में, अरेबियन पेनिनसुला में, ईस्टर्न यूरोप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। और स्पेसिफिकली बात करें इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलता है गोल्डन जैकल, इंडिया में मिलता है कच्छ के एरिया में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में और हरियाणा में। और वैसे देखो ऑलमोस्ट इंडिया के सभी प्रोटेक्टेड एरियाज में मिलता है, लेकिन हिमालय के ऊंचाइयों वाले जो रीजन हैं वहाँ पर नहीं मिलता गोल्डन जैकल। और साइट्स के अपेंडिक्स 3 में आता है गोल्डन जैकल। साइट्स हमने डिस्कस किया काफ़ी बार, ये वो कन्वेंशन है जो इंडेंजर्ड स्पीसीज के इलीगल ट्रेड को रोकती हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 3 में आता है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 में जो स्पीसीज आती हैं उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन दी गई होती है, लेकिन गोल्डन जैकल आता है शेड्यूल 3 में, क्योंकि हमने डिस्कस किया कि IUCN की रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में है। मतलब अभी भी संख्या जो है गोल्डन जैकल की वो अच्छी खासी है, अभी वल्नरेबल इंडेंजर्ड या फिर क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में नहीं आता गोल्डन जैकल, इसी वजह से शेड्यूल 3 में आता है।
यानी थोड़ी कम प्रोटेक्शन दी गई है गोल्डन जैकल को। गोल्डन जैकल का शिकार किया जाता है पूंछ के लिए और खाल के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल था, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के बारे में है। कंटेस्ट बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इस हब के बारे में जानकारी डिस्कस करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऑनलाइन डेटा की मॉनिटरिंग की जाएगी और इसके लिए देश के हर एक जिले में सेंटर इस्टेब्लिश किए जाएंगे। एक एनालिटिकल टूल की सहायता से हर एक जिले में सोशल मीडिया मूवमेंट्स को ट्रैक किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उन स्कीम्स के बारे में पब्लिक की परसेप्शन क्या है, कौन सी न्यूज़ ट्रेंड कर रही हैं, आने वाले दिनों में कौन सी न्यूज़ ट्रेंड कर सकती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भी बोलना है कि इस सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब की सहायता से फेक न्यूज़ को टैकल किया जाएगा। लेकिन देखो, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस्टेब्लिश किया जाता है, मतलब इंडिया जो है वो सर्विलियंस स्टेट बन जाएगा। देखो, सर्विलियंस स्टेट वो स्टेट होता है जहाँ पर जनता की मास सर्विलियंस होती है। तो अगर ये कम्युनिकेशन हब बनता है तो जनता की मास सर्विलियंस होगी और इंडिया एक सर्विलियंस स्टेट बन जाएगा। इस प्रोजेक्ट में प्रोविज़न ये भी होगा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में मीडिया के कुछ पर्सन को हायर किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और वो मीडिया के पर्सन सरकार की आँख और कान के तौर पर काम करेंगे। यानी रिपोर्ट भेजी जाएंगी सेंट्रलाइज्ड मैकेनिज्म को कि इस जिले में क्या कुछ चल रहा है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोशल मीडिया कम्युनिकेशन हब के बारे में, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हैरियर बर्ड्स के बारे में है। हैरियर बर्ड्स एक माइग्रेटरी रैप्टर स्पीसीज है। रैप्टर स्पीसीज क्या होती हैं? रैप्टर स्पीसीज देखो वो स्पीसीज होती हैं जो शिकार करती हैं। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, ईगल यानी चील या फिर वल्चर, गिद्ध, ये बर्ड्स की स्पीसीज शिकार करती हैं। रेप्टाइल्स का यानी रेंगने वाले जानवरों का या फिर छोटे बर्ड्स का। अभी कंटेस्ट ये है कि पहले बहुत सारे हैरियर बर्ड्स इंडिया में आते थे लेकिन आज के समय में बहुत कम हैरियर बर्ड्स इंडिया में आते हैं। तो इससे ये पता लगता है कि कंट्री के जो ग्रासलैंड्स हैं वो खतरे में हैं। अगर ग्रासलैंड्स ज़्यादा होते तो वहाँ पे रेप्टाइल्स ज़्यादा होते या फिर छोटे बर्ड्स ज़्यादा होते तो ये हैरियर बर्ड्स भी ज़्यादा आते। लेकिन चूँकि कंट्री के ग्रासलैंड्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो उसी हिसाब से, उसी प्रपोर्शन से इंडिया में आने वाले हैरियर बर्ड्स की जो संख्या है उसमें भी कमी देखने को मिल रही है। और ये सामने आया अशोका ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के दो रिसर्चर्स की रिपोर्ट में। आगे थोड़ी और भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जैसे इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट है। रूस्टिंग साइट का मतलब जहाँ पर ये हैरियर बर्ड्स बैठते हैं, बैठने का अड्डा आप नॉर्मल भाषा में कह सकते हो। तो इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट रूस्टिंग साइट है वर्ल्ड में पैलिड हैरियर्स और मोंटागू हैरियर्स के लिए। और रिसेंट रिपोर्ट्स हाईलाइट करती हैं कि जो संख्या है इन बर्ड्स की वो कम हो रही हैं। वैसे तो ये जनरल ट्रेंड है लेकिन कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस की बात करें तो आंध्र प्रदेश में रोलापाडू बस्टर्ड सेंचुरी है कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर इन हैरियर बर्ड्स की संख्या पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन आजकल काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा बेंगलोर के आउटस्कर्ट्स एरिया में हिसरघाटा, वहाँ पर वेस्टर्न मार्स हैरियर बर्ड्स की संख्या पहले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी लेकिन आजकल वेस्टर्न मार्स हैरियर की संख्या में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। और रीज़न वही, एक तो जैसे ग्रासलैंड्स में कमी आई है इंडिया में, उसके अलावा एक रीज़न रिसर्च में ये भी बताया जाता है हो सकता है कि खेतों में पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है और इन पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल होता है रूस्टिंग साइट्स के आसपास, यानी जहाँ पर यह हैरियर बर्ड्स बैठते हैं उनका बैठने का जो स्थान होता है उसके आसपास पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है, इस वजह से भी वो अब यहाँ आना कम प्रेफर करते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया हैरियर बर्ड्स के बारे में, चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल इफको आई मंडी के बारे में है। ये एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जो कि किसानों के लिए लॉन्च की गई है। वो किसान जो ऑलरेडी कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े हैं उन 5.5 करोड़ किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये आई इफको आई मंडी एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और इसी थीम पर आधारित एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है। इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बाजार यानी कि जो प्रोड्यूस होती हैं, फॉर एग्जांपल किसानों को सीड्स खरीदने हैं, पेस्टिसाइड्स खरीदने हैं, किसी प्रकार की कोई इनपुट खरीदनी है, इस एप्लीकेशन की सहायता से किसान इनपुट्स खरीद सकते हैं और उनके घर पर ही डिलीवरी हो जाएगी इनपुट्स की। उसके बाद संचार कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जानकारी प्राप्त की जा सकती है, सरकार से कोई जानकारी प्राप्त करनी है,
वो सारी जानकारियाँ इस एप्लीकेशन की सहायता से प्राप्त की जा सकती हैं। मनोरंजन के लिए भी सर्विसेज उपलब्ध होंगी इस इफ्को आई मंडी एप्लीकेशन पर। इस एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए इफ्को ने पार्टनरशिप करी है सिंगापुर बेस्ड एक फर्म के साथ जिसका नाम है आई मंडी। हम बात करें इफ्को की, इफ्को की फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। ये एक लार्ज स्केल फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव फेडरेशन है और रजिस्टर्ड है एज ए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इवन ये इंडिया की बिगेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इफ्को का जो सारा मालिकाना हक है वो इंडियन कोऑपरेटिव्स के पास है। इसे इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ऑलमोस्ट 40,000 कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंबर हैं इफ्को की, यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड की। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल आई केयर प्रोग्राम के बारे में है। आई केयर प्रोग्राम को देखो 2015 में लॉन्च किया गया था देश के कुछ इलाकों में पायलट बेसिस पे नेशनल जूट बोर्ड और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। उस समय मकसद ये था कि जो किसान जूट की खेती करते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। लेकिन पायलट प्रोजेक्ट पे जो ये आई केयर प्रोग्राम लॉन्च किया गया था उस प्रोजेक्ट में जो चैलेंजेस आ रहे हैं किसानों के सामने उनको एड्रेस करने के लिए द जूट फाउंडेशन ने एक इनिशिएटिव लिया है। सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं फार्मर्स वर्कर्स मिल्स रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और कंज्यूमर्स सबके साथ एंगेज करने की कोशिश की जा रही है द जूट फाउंडेशन के द्वारा। हम जानते हैं आई केयर प्रोग्राम के बारे में। जैसा हमने डिस्कस किया आई केयर मतलब इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस्ड रेटिंग एक्सरसाइज फॉर जूट। रेटिंग का मतलब होता है देखो जब जूट को पानी में भिगोया जाता है उस प्रोसेस को कहते हैं रेटिंग। तो 2015 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था। मकसद था एग्रीकल्चर संबंधित यानी जूट की जो खेती होती है उससे संबंधित अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जाए ताकि जूट की जो पैदावार हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा माइक्रोबियल असिस्टेड रेटिंग, जैसा मैंने आपको बताया रेटिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें फ्लेक्सिस को पानी में भिगोया जाता है, तो जो रेटिंग होती है वो माइक्रोबियल असिस्टेड होनी चाहिए। और वेस्ट बंगाल और असम के कुछ इलाकों में पायलट बेसिस पे ये प्रोजेक्ट चलाया गया था। और बात करें हम कौन सी अच्छी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को प्रमोट किया गया था इस प्रोग्राम के अंदर, जैसे लाइन सोइंग ऑफ जूट, क्यारीबद्ध ढंग से जूट की खेती होनी चाहिए, इस प्रकार से क्यारियाँ होनी चाहिए पैरेलल में। उसके बाद वीड मैनेजमेंट, जो खरपतवार होता है उसकी मैनेजमेंट हाथ से ना होके मशीनों की सहायता से होनी चाहिए। और सबसे लास्ट में सरकार ने सर्टिफाइड सीड्स भी वितरित किए उन इलाकों में जहां पर पायलट बेसिस पे ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, असम और वेस्ट बंगाल के कुछ इलाकों में। वहां पर सरकार के द्वारा सर्टिफाइड सीड्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया 50% सब्सिडी के आधार पर, यानी सस्ते सीड्स किसानों को वितरित किए गए वेस्ट बंगाल और असम के कुछ इलाकों पर जहां पर पायलट बेसिस पे ये स्कीम चलाई जा रही थी। थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन, इसी प्रोग्राम के अंतर्गत सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन जूट एंड एलाइड फाइबर्स, ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के द्वारा एक माइक्रोबियल कंसोर्टियम डेवलप किया गया है जिसका नाम है सोना। सोना डेवलप करने का मकसद ये है जूट का जो फाइबर होता है उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज किया जा सके 20% तक। इसके अलावा जूट की क्वालिटी को भी इम्प्रूव किया जा सके, एक ग्रेड से बढ़ा के इसकी क्वालिटी की जाए 1.5 ग्रेड तक। तो ये मकसद है माइक्रोबियल कंसोर्टियम सोना डेवलप करने का। और देखो इसी प्रोग्राम के अंतर्गत यानी जहाँ पर ये स्कीम चलाई जा रही है वहाँ पर किसानों को प्रतिदिन 50 से ज़्यादा SMS सेंड किए जाते हैं ताकि किसानों को पता हो कि कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है, अब क्या करना है ताकि प्रोजेक्ट को सफल बनाया जा सके। अगर पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट सफल होता है तो फिर देश के दूसरे इलाकों में भी इस प्रोजेक्ट को चलाया जाएगा जूट आई केयर। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल बनसागर कैनल प्रोजेक्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बनसागर कैनल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। बनसागर जो डैम है ये एक जॉइंट वेंचर है मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और बिहार स्टेट्स का। ये एक मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट है जो सोन रिवर के ऊपर इस्टेब्लिश किया जाएगा मध्य प्रदेश के गैंजिस बेसिन में। टोटल लेंथ जो होगी जो कैनल नेटवर्क बिछाया जाएगा उस कैनल नेटवर्क की टोटल लेंथ होगी 171 किलोमीटर। देखो इससे जो फ़ायदा होगा वो अलाहाबाद और मिर्ज़ापुर के किसानों को होगा। मिर्ज़ापुर और अलाहाबाद जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं। वहाँ पर ऑलमोस्ट 1,70,000 किसानों को फ़ायदा होगा जो ये कैनल बिछाई जाएगी, पानी लाया जाएगा सोन रिवर से। हम बात करें सोन रिवर के बारे में, सोन रिवर गंगा की साउदर्न ट्रिब्यूटरीज में से सेकेंड लार्जेस्ट है।
यमुना जो है वो गंगा की लार्जेस्ट साउदर्न ट्रिब्यूटरी है, उसके बाद नंबर आता है सोन रिवर का। ओरिजिनेट कहाँ से होती है सोन रिवर? मध्य प्रदेश में एक जगह है अमरकंटक, उसके नज़दीक से सोन रिवर ओरिजिनेट होती है। यहाँ पर देखो आप, ये है सोन रिवर, अमरकंटक के पास से ओरिजिनेट होती है सोन रिवर। शुरुआत में नॉर्थ वेस्ट में फ्लो करती है, लेकिन उसके बाद एकदम से टर्न लेती है ईस्टर्न डायरेक्शन की ओर। ईस्टर्न डायरेक्शन में जब फ्लो करती है सोन रिवर, तो कैमूर रेंज से होकर जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो सोन रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं रेहांद और नॉर्थ कोयल। रेहांद और नॉर्थ कोयल ट्रिब्यूटरीज हैं सोन रिवर की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोन रिवर छोटी नहीं है, सोन रिवर की जो लेंथ है वो है 784 किलोमीटर्स है। जिस रिवर की ट्रिब्यूटरी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं होती मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जो बड़ी रिवर्स हैं जिनकी लेंथ 600-800 यानी आप एक पैरामीटर मान के चलिए, जिन रिवर्स की लेंथ 500 किलोमीटर से ऊपर है ना, उनकी ट्रिब्यूटरी आप याद रखने की कोशिश कीजिए। जो छोटी छोटी रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा। सोन रिवर की टोटल लेंथ है 784 किलोमीटर है। ट्रिब्यूटरीज हैं नॉर्थ कोयल और रिहांद। सोन रिवर वैली को नर्मदा वैली का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। उसी प्रकार से जब सोन रिवर ईस्टर्न डायरेक्शन में फ्लो करती है तो यहाँ पे है कैमूर रेंज, और कैमूर रेंज को विंध्याज का एक्सटेंशन भी कहा जाता है। तो ये आर्टिकल हमने डिस्कस किया सोन रिवर के बारे में। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।